हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डीसी के यूनिवर्स की आने वाली फिल्म कॉन्स्टेंटाइन 2 के बारे में। जी हां, कॉन्स्टेंटाइन 2, जिसकी फिलहाल तो कुछ इसी तरीके की रूमर निकल कर आई है। तो क्या है वो सभी की सभी डिटेल्स, चलिए उस पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो ये बात आप सभी को पता होगी कि डीसी के यूनिवर्स में जस्टिस लीग डार्क नाम का भी एक प्रोजेक्ट है, जिस पर डीसी के यूनिवर्स की तरफ से काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं जे.जे. अब्राहम, जो इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर है। और इसके अलावा उन्हें लेकर रूमर ये भी है कि वो डीसी के इस डार्क जस्टिस लीग के यूनिवर्स को अपने हिसाब से पूरी तरीके से क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि ये प्रोजेक्ट एचबीओ मैक्स के लिए बनाया जा रहा है या फिर डीसी के एक अलग ही यूनिवर्स के लिए। अब ये अपडेट ऑलमोस्ट एक पुराना है, जिसके बाद जाकर इसी साल कुछ ही महीने पहले ये डिटेल भी निकल कर आई है कि डीसी के इस डार्क जस्टिस लीग के यूनिवर्स में दो प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है, जिनमें से एक प्रोजेक्ट जटाना का है और दूसरा कॉन्स्टेंटाइन का। और फिर क्या था, इस डिटेल के बाद फैंस की डिमांड निकल कर आ गई कि अगर कॉन्स्टेंटाइन फिल्म पर काम किया जा रहा है तो जॉन कॉन्स्टेंटाइन के रोल के लिए अगर कोई एक्टर सबसे ज्यादा परफेक्ट है तो वो कियानू रीव्स के अलावा और दूसरा कोई भी नहीं, जिन्होंने साल 2005 की कॉन्स्टेंटाइन फिल्म में इस कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। और उसके बाद जाकर साल 2014 में CW की तरफ से इसकी एक पूरी की पूरी सीरीज बना दी गई, जिसमें हमने मैट रियान को जॉन कॉन्स्टेंटाइन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखा। बट मैं क्लियरली कहूँ तो मैं शो का इतना भी ज्यादा बड़ा फैन हूँ नहीं, और ना ही उस शो में रोल कर रहे एक्टर मैट रियान का। इसलिए मैं क्या, बाकी और सभी के सभी फैंस की तो यही राय होगी कि जॉन कॉन्स्टेंटाइन के लिए अगर कोई परफेक्ट है तो ऑब्वियसली वो कियानू रीव ही है। तो अब इस प्रोजेक्ट को लेकर स्टूडियो की तरफ से तो कोई भी ऐसी ऑफिशियल डिटेल निकल कर नहीं आई है कि क्या सच में ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर स्टूडियो काम भी कर रहा है या नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डिटेल निकल कर आई है, उससे फैंस का होश पूरी तरीके से उड़ गया है, क्योंकि ये डिटेल और किसी ने नहीं बल्कि 2005 की ओरिजिनल फिल्म में काम करने वाले एक्टर पीटर स्टॉमेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है, वो भी इस पोस्ट को डालकर, जिसमें उन्होंने खुद के कैरेक्टर का फोटो डाला हुआ है, जो कैरेक्टर फिल्म में लूसीफर के कैरेक्टर का था। और वहीं पर उन्होंने इसके साथ में कैप्शन डाला हुआ है कि इसके सीक्वल पर काम चल रहा है। और फिर क्या था, यहां से फैंस की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा दुगनी नहीं बल्कि तिगनी हो गई है कि अगर पीटर इस फिल्म के सीक्वल में फिर से इसी कैरेक्टर यानी कि लूसीफर का रोल प्ले करने वाले हैं, तो डेफिनेटली कियानू रीव्स को भी जॉन कॉन्स्टेंटाइन के लिए फिर से रिटर्न बुलाया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियरली सीक्वल लिखा हुआ है, ना कि रिबूट। जिसके बाद पीटर की इस बात को बड़ी से बड़ी वेबसाइट ने काफी अच्छी तरीके से कवर किया है, यही क्वेश्चन मार्क लगाकर कि हो सकता है कि फिल्म के सीक्वल में हमें कियानू रीव्स फिर से नजर आ जाए। तो देखते हैं आगे चलकर इस फिल्म से रिलेटेड और क्या अपडेट निकल कर आती है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो डीसी वालों को डेफिनेटली कॉन्स्टेंटाइन के यूनिवर्स पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो यूनिवर्स डेफिनेटली फैंस को तो अपना दीवाना बना ही देगा अगर उन लोगों ने डीसी की कॉन्स्टेंटाइन की कॉमिक बुक को नहीं पढ़ा है तो। और जिस किसी ने भी हेलब्लेजर की डीसी की कॉन्स्टेंटाइन की कॉमिक बुक को पढ़ा है, उन्हें पता होगा कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा कमाल का है। और रही बात इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की, तो जी नहीं, उसकी भी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है कि इस फिल्म या फिर इस सीरीज को कौन डायरेक्ट कर रहा है। और बात करें ओरिजिनल कॉन्स्टेंटाइन फिल्म की, तो इस फिल्म को साल 2005 में डायरेक्ट किया था फ्रांसिस लॉरेंस ने, जिनका लेवल आज की तारीख में तो फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा बदल गया है। और उन्होंने अपने करियर में सिवाय हंगर गेम के सीक्वल के बाकी और दूसरे कोई भी फिल्मों के सीक्वल्स नहीं बनाए हैं। इसमें इंक्लूड 2007 की फिल्म आई एम लेजेंड भी होती है। और अभी के लिए तो फ्रांसिस एप्पल प्लस टीवी की सीरीज सी में ही बिजी है, जिसमें हमने जेसन मोमोआ को देखा था, और अब इसके सीजन 2 की भी कंफर्मेशन कर दी गई है, वो भी जेसन मोमोआ और अब डेव बटिस्टा के साथ। खैर, तो अब आपकी क्या राय है कॉन्स्टेंटाइन को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म या फिर इस सीरीज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।